तो हाई फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, मैं हूं सरकत। आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल बासुना बात कर रहे हैं एक नया वीडियो में। मैं करता हूं बहुत बहुत है फ्रेंड्स। अभी जैसे कि मतलब कुछ दिन पहले रेनी सीजन से अभी विंटर सीजन में कन्वर्ट हो रहा है, तो इस टाइम पे बर्ड्स का शरीर में जैसे कि ठंड लगने का बीमारी ये सब बहुत ज़्यादा आता है, तो इस टाइम पे बर्ड्स को थोड़ा सा ज़्यादा केयर करना पड़ता है। जैसे उनका पॉटी चेक करना पड़ता है डेली का डेली, और उनका एक्टिविटी भी चेक करना पड़ता है कि वो कितना ज़्यादा एक्टिव है या फिर नहीं है। अगर बर्ड्स को आपको ठंडा लग जाए या फिर कुछ भी वायरल फीवर कुछ भी होता है तो मतलब क्या होता है, उसको देखिए मुंडी घुमा के पीछे बैठ जाता है, ठीक है, जिससे कि मतलब आपको पता चलता है कि उसको ठंड लगा या फिर पेट का बीमारी कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम उसको हुआ है, तो तुरंत उसको आपको पकड़ के उसको अलग करके उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देना। नहीं तो धीरे 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 क्या होगा, आप तो समझ नहीं पाएंगे। जब भी आप उसका थोड़ा सामने जाएंगे तो वो तुरंत अलर्ट होकर फिर जैसे एकदम नॉर्मल बर्ड की तरह हो जाएगा। ऐसे एक दो दिन तीन दिन बाद वो धीरे 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 सूखता जाएगा, अंदर ही अंदर सूखता जाएगा, जिसे सीना टांग बोलते हैं हम लोग। तो ऐसे अंदर ही अंदर सूखता जाएगा, और सूखते सूखते धीरे धीरे वो पूरा कमजोर होते होते एक टाइम बाद वो डेड हो जाएगा। तो आप समझ भी नहीं पाएंगे वो कैसे अचानक डेड हो गया। तो इसीलिए हम लोग को क्या करना पड़ता है इस टाइम पे, जैसे भी कोई सीजन चेंज होता है, जैसे रेनी से विंटर आता है या फिर विंटर से समर की तरफ कन्वर्ट होता है, इस टाइम पे हम लोग को बर्ड्स को ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है कि उन लोगों को क्या नेचर है, कैसा उन लोग का एक्टिवनेस है, ठीक है, कितना ज़्यादा एक्टिव है, कितना अच्छा से खाना खा रहा है, कितना उसका पॉटी भी हम लोग को बार बार चेक करना पड़ता है। और शाम का टाइम हम क्या करते हैं, प्लास्टिक से पूरा फार्म को कवर अप कर दे, जितना हो सके कवर कर देना, या फिर एक काम करिए आप उनको नेस्ट बॉक्स भी प्रोवाइड कर सकते हैं उस टाइम। तो शाम का टाइम क्या होगा, खुद से नेस्ट बॉक्स अंदर अंदर चला जाएगा, तो फिर वो ठंड के हाथ से थोड़ा बहुत बच सकेगा। तो इसीलिए हम मतलब कुछ दिन पहले मेरा जो इक्लेक्टस का पेयर है, आप लोगों ने देखा ही होगा, तो इक्लेक्टस का पेयर का जो फीमेल है उसको ठंड लग चुका था, तो अभी तो मैंने उसको पकड़ के एक दिन पहले उसको पकड़ के केज में अलग कर दिया है, ठीक है, और उसका ट्रीटमेंट भी चालू कर दिया है। आप लोगों को वही चीज़ दिखाने के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ कि कैसे मैं उसको ट्रीटमेंट करके थोड़ा सा भी ठीक कर सका। तो इसीलिए मैं वीडियो शेयर कर रहा हूँ आप सभी के साथ, क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए अगर आपको बर्ड्स को ठंड लग जाए। तो जैसे कि ठंड में हम लोग को तो एंटीबायोटिक प्रोवाइड करना पड़ता है, तो एंटीबायोटिक के साथ क्या मतलब और क्या क्या चीज़ हम लोग को प्रोवाइड करना पड़ता है उस बर्ड्स के लिए, तो ये सारा चीज़ इस वीडियो में रहेगा। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा बिना स्किप किए, कि अगर एक भी पार्ट स्किप कर दिया तो आपको वीडियो अच्छा से समझ नहीं आएगा। मेरा जो इक्लेक्टस का पेयर का जो ब्रीडिंग सेटअप है वो पूरा आउटडोर में है, तो जिससे कि पेयर का जो सर्कुलेशन है वो बहुत अच्छा तरह से होता है, तो इसी की वजह से मतलब वहाँ पर बहुत बड़ा बड़ा खिड़की है उस रूम पे, जिससे कि हवा आर पार होता है। तो इस टाइम ठंड के टाइम उस बर्ड्स को कुछ भी कारण से ठंड लग चुका है, तो इसीलिए मैंने उसको वॉच किया कि वो इक्लेक्टस का जो फीमेल है वो मुंडी उठा के मतलब ऐसे करके सोया हुआ है पीछे तरफ घुमा के। तभी मैंने नोटिस किया कि बर्ड्स को कुछ ना कुछ बीमारी है। जो बर्ड हमेशा एक्टिव रहता है, बर्ड एक्टिव रहने का मेन रीजन यही है कि केज के अंदर जो स्टिक हम लोग प्रोवाइड करेंगे उनको, गाछ का डाली उनके ऊपर बैठा रहेगा और नॉर्मली बिहेव करेगा, पूरा का पूरा एक्टिव रहेगा, हमेशा इधर उधर कुछ ना कुछ करते रहेगा। तो इसीलिए ऐसे हम लोग को बर्ड्स पता चलता है बर्ड्स पूरा का पूरा एक्टिव है। वो इक्लेक्टस का जो फीमेल है वो लगभग दो दिन से मैं पूरा का पूरा खाना बंद कर दिया था, और उसका जो पॉटी है पॉटी का कलर एकदम व्हाइट पॉटी कर रहा था, उसमें कहीं भी कोई ग्रीनिश या फिर जो खाना का जैसे पॉटी होता है, जैसे फल का फ्रूट का सीड्स का जो पॉटी होता है वो कहीं भी नहीं था, सिर्फ व्हाइट पॉटी कर रहा था। तो मैंने तुरंत उसको पकड़ के अलग किया एक केज में, और उसके बाद मैंने इसको क्या ट्रीटमेंट किया ये मैं वीडियो में दिखाऊंगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ जाएगी। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हम लोग को सबसे पहले क्या क्या चाहिए, मतलब अगर आपको बर्ड्स का कोई भी वायरल फीवर हो चुका है तो उसके लिए क्या क्या मेडिसिन आपको पहले लेना होगा, तो ये पहले मैं दिखा देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे मैंने एजिथ्रल, ह्यूमन मेडिसिन है जो कि ह्यूमन मेडिकल स्टोर में आपको बहुत इजीली मिल जाएगा। जब ह्यूमन का बेबी होता है उनको अगर वायरल फीवर कुछ भी होता तो उनमें यूज़ किया जाता है ये एजिथ्रल 100। तो ये हो गया एक एंटीबायोटिक। और इसके बाद हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे हिमालय कंपनी का लीप 52, जो कि एनिमल्स का है, मतलब डॉग बर्ड कैट कुछ भी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये लीप 52 हिमालय कंपनी का, ये भी आपको चाहिए। और इसके बाद हमको चाहिए ये नियोपेप्टाइड, जैसे कि आप लोग जानते हैं एक डाइजेस्टिव एंजाइम है जो बहुत डाइजेस्ट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो एंटीबायोटिक जब भी हम लोग यूज़ करेंगे तो एंटीबायोटिक के साथ उस लीवर में कोई तरह का कोई डैमेज ना आए, मतलब उसका लीवर में कमजोरी ना आए, इसीलिए हम लोग को उसका साथ हिमालय का लीफ 52 है ये भी ऐड करना होगा। तो चलिए हम लोग सबसे पहले ले लिए है ये बाउल में थोड़ा सा वार्म वाटर, गर्म पानी ले लिया, जिसमें हम लोग A19 जो हैंड फीडिंग फार्मूला है इसको मिक्स करेंगे। उसके बाद हम लोग इसमें मेडिसिन मिक्स करेंगे। मेडिसिन का क्या क्वांटिटी है वो भी मैं मिक्स करते करते आपको बताऊँगा। तो चलिए सबसे पहले यहाँ से A19 ले लेते हैं 1 चम्मच। A19 मैंने यहाँ से ऐड कर लिया, ठीक है। अब इसको अच्छा से मिक्स कर लेते हैं।
अभी से एक बर्ड्स का लिए मैं हैंड फीडिंग फार्मूला बना रहा हूँ और इसमें मेडिसिन ऐड किया रहेगा, और मेडिसिन ऐड किया हुआ खाना या कुछ भी हैंड फीडिंग फार्मूला या फिर खाना कोई भी चीज़ आपको ज़्यादा देर नहीं रखना चाहिए, इसीलिए मैं क्वांटिटी में थोड़ा कम बना रहा हूँ ताकि एक बार में ये ख़त्म हो जाए। ये मैं स्टोर करके रख भी नहीं पाऊँगा क्योंकि इसमें मेडिसिन मिक्स है, इसीलिए मैं कम क्वांटिटी में बना रहा हूँ। तो फ्रेंड्स ये तो अभी अच्छा से मिक्स हो चुका है, इसमें मेडिसिन जो है मिक्स कर लेते हैं ये एजिथ्रल, और क्योंकि मैंने इसको कल यूज़ किया है तो इसीलिए ये अनसील्ड है। तो इसको हम लोग जैसे कि एक बड़ा बर्ड्स है तो बड़ा बर्ड्स के लिए हम लोग को ये 3 ड्रॉप ऐड करना पड़ेगा, इसमें 1 ड्रॉप 2 ड्रॉप। तो हम लोग इसमें अभी एजिथ्रल 100 जो है इसमें 3 ड्रॉप ऐड किया है क्योंकि हम लोग को बड़ा बर्ड का भी ट्रीटमेंट करना है। जैसे इक्लेक्टस एक बड़ा साइज का पैरट्स हो गया तो इसका ट्रीटमेंट के लिए हम लोग को मेडिसिन का क्वांटिटी थोड़ा अलग है, और जैसे सनकोनियस हो गया बजिस हो गया इसका मेडिसिन का क्वांटिटी अलग है। बिग साइज का पैरट के लिए मेडिसिन का मतलब इसको 3 ड्रॉप यूज़ करना है, और दिन भर में हम इसको 2 टाइम यूज़ करते हैं, एक बार सुबह का टाइम और एक बार शाम का टाइम। तो सनकोनियस का साइज का कोई बर्ड्स का अगर आपको वायरल फीवर कुछ भी होता है तो आपको ये मेडिसिन 2 ड्रॉप यूज़ करना है। अभी इसके बाद हम लोग को इस पर लीवर टॉनिक जो है ऐड करना है। तो अभी मैंने बताया आप लोगों को वीडियो में कि जब भी हम लोग एंटीबायोटिक यूज़ करेंगे तो लीवर टॉनिक देना बहुत ही नेसेसरी है ताकि लीवर डैमेज ना हो और खाना को बहुत अच्छे से अच्छा डाइजेस्ट कर पाए, इसीलिए हम लोग को इसमें हिमालय का जो लीफ सीड है ये भी हम लोग 4 ड्रॉप ऐड करेंगे। ये आप बड़ा पैरेट छोटा पैरेट दोनों में 3 से 4 ड्रॉप ऐड कर सकते हैं। तो चलिए इसमें ऐड कर लेते हैं 1, 2, 3, 4, और इसके बाद हम लोग ये जो नियोपेप्टाइन है ये भी ऐड करेंगे। वो तो अभी बीमार है तो इसका डाइजेस्टिव सिस्टम भी अभी वीक है, तो इसको डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत अच्छा करने के लिए हम लोग को नियोपेप्टाइन भी ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पे थोड़ा सा लगभग इतना क्वांटिटी का नियोपेप्टाइन हम लोग ऐड करेंगे, और अभी तीनों को अच्छा से मिक्स कर लेंगे। ये पूरा का पूरा मिक्स हो गया, और अभी हम लोग इक्लेक्टस को पकड़ के उसमें हैंड फीडिंग देंगे। मैं नॉर्मली इस तरह का एक सीरिंज से मैं उनको हैंड फीडिंग कराता हूँ कोई भी चिक्स को। इस टाइप का सीरिंज तो आपको कोई भी मेडिकल स्टोर में बहुत इजीली मिल जाएगा, तो इस तरह का सीरिंज से आप हैंड फीडिंग तो करा सकते हैं लेकिन कोई बीमार बर्ड का ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। इसके लिए आपको एक स्पेशल तरह का हैंड फीडिंग सीरिंज और हैंड फीडिंग नीडल परचेस करना होगा जो कि मेरा शॉप पे अभी इजीली अवेलेबल है। देखिए इस टाइप का आपको सीरिंज और ये नीडल बॉक्स, इसमें बहुत साइज का नीडल्स अवेलेबल है, सब बर्ड्स के लिए अलग अलग नीडल्स अवेलेबल है, ठीक है। तो इस तरह का एक नीडल्स आपको लेना पड़ेगा पर्टिकुलर कोई अगर पैरोट बीमार हो जाए उसके लिए। नॉर्मल बर्ड्स को भी आप इससे हैंड फीडिंग करा सकते हैं लेकिन मैं इसको यूज़ करता हूँ पर्सनली जब भी कोई बर्ड बीमार हो जाता है इसके लिए। इस टाइम पे हैंड फीडिंग जो है हम लोग को बर्ड्स को ज़बरदस्ती मतलब देना पड़ता है, अगर नहीं देंगे तो बर्ड्स धीरे धीरे वीक होते होते एक टाइम पे वो डैमेज हो जाएगा, वो डेथ हो सकता है उसका। इसीलिए हम लोग को स्पेशल हैंड फीडिंग नीडल्स और हैंड फीडिंग सिरिंज का ज़रूरत पड़ेगा, और इसके साथ हमको और एक चीज़ का ज़रूरत है जो कि हैंड ग्लव्स, और वो तो एक बड़ा साइज का पैरट है और वो टेम भी नहीं है, कभी भी उसको मौका मिलेगा तो मेरा हाथ काट लेगा, तो इसीलिए चलिए ग्लव्स ही पहन लेते हैं सेफ्टी के लिए। और इसके लिए और एक पर्सन का हेल्प भी लगेगा आपको और मुझे भी लगेगा। फ्रेंड्स अभी तो हैंड फीडिंग मिक्सचर जो रेडी हो गया है और उसको हैंड फीडिंग कराने के लिए एक पर्सन का हेल्प और लगेगा, तो इसके लिए मैंने अपने भाई को बुला लिया और कल से ये मेरे साथ रह के उस बर्ड को पहले से बहुत ज़्यादा एक्टिव अभी हो गया और वो भाई का ही मदद से हुआ, मतलब मैं तो उसको अकेले हैंड फीडिंग कराना पॉसिबल नहीं है। अगर वो टेम बर्ड्स होता तो इजीली करा सकता लेकिन वो टेम नहीं है, इसीलिए एक पर्सन का हेल्प और लगेगा, इसीलिए भाई को मैंने बुला लिया, वो पकड़ के रखेगा एक हाथ से और एक हाथ से मैं उनको हैंड फीडिंग दूंगा। तो फ्रेंड्स पहले हम लोग इसमें जो है नीडल फिट कर लेते हैं, इसके बाद बर्ड्स को पकड़ेंगे। और यहाँ पर देखिए ये एक्लेक्टस का फीमेल जिसका तबीयत खराब हुआ था और अभी ये बहुत ज़्यादा एक्टिव है। नीडल मैं यूज कर रहा हूँ एक्लेक्टस के लिए, चलिए इसको अभी फिट कर लेते हैं। इसमें ये बहुत ही इजी है, देखिए आपको जस्ट ऐसे इसका ऊपर रख के और इसको एक बार ट्विस्ट कर देना है, तो घुमा देना ये पूरा, देखिए ये फिट हो जाएगा, और फिर इसको खोलने का टाइम या फिर से घुमा देना खुल जाएगा। तो चलिए अभी इसको हैंड फीडिंग इसमें ले लेते हैं। ये पूरा का पूरा फुल हो चुका है, इसको साइड में रख देते हैं। अभी भाई जो है इस नेट का मदद से बर्ड्स को पकड़ेंगे, उसके बाद हम लोग बाहर लाके उसको जो है हैंड फीडिंग देंगे। पहले का पॉटी का कलर भी मैं एक बार दिखाना चाहूँगा आप लोगों को, देखिए कल तक वो पूरा ऐसे एकदम वाइट पॉटी कर रहा था,
कल भी उसको ट्रीटमेंट करने का टाइम पूरा वाइट बॉडी, देखिए अभी तो साफ कर दिया मैंने लेकिन फिर भी यहाँ पे दाग रह चुका है, ठीक है, पूरा का पूरा वाइट बॉडी, इसमें जरा सा भी कोई ग्रीनरी नहीं था। और आज सुबह से देखिए उसका बॉडी का कलर कितना ज़्यादा चेंज, मतलब अभी वो पॉटी किया है इसमें देखिए ग्रीन कलर आ रहा है धीरे धीरे, और खाना भी स्टार्ट कर दिया है। तो चलिए वो बहुत जल्दी रिकवर हो रहा है, ठीक है, और चलिए एक बार उसको पकड़ लेते हैं, उसके बाद उसको हैंड फीडिंग भी दे देंगे। और कल तो एक्टिव नहीं था इसीलिए बहुत इजी हो रहा था उसको हैंड फीडिंग देना, लेकिन आज वो पूरा का पूरा एक्टिव हो गया तो पकड़ना भी थोड़ा दिक्कत हो रहा है भाई के लिए, थोड़ा सा हमको भी मदद करना पड़ेगा इसमें। बर्ड एक्टिव रहेगा तो स्टिक से वो निकलेगा ही नहीं, मतलब स्टिक को छोड़ेगा ही नहीं, पैर पे पकड़ के रखेगा स्टिक को। और अभी इसको अच्छा से पकड़ना होगा नहीं तो तुरंत काट लेगा। देखिए भाई कितना अच्छा से विंग जो है पकड़ लिया, और मैंने इस तरह से उसका होंठ पकड़ लिया ताकि वो काट नहीं पाए। अब इसको जस्ट नीडल को आपको साइड से ऐसे उसके अंदर पुश कर, कोई भी साइड से पुश कर सकते हैं। देखिए नीडल पूरा अंदर चला गया, अब इसको धीरे धीरे उनको जो है हैंड फीडिंग पुश कर देना अंदर। अभी देखिए हैंड फीडिंग इसके अंदर चला गया है, और अभी और इसका बर्ड्स का सीना जो है अभी ठीक है, हम लोग सीना भी चेक कर लेंगे। हाँ अभी सीना भी इसका ठीक है, रिकवर है बहुत ज़्यादा, तो बर्ड्स को हम लोग छोड़ देते हैं। तो फ्रेंड्स इसी तरह आपको भी अपना बीमार बर्ड का ट्रीटमेंट करना होगा, आप करके देखिए, ये प्रोसेस बहुत ही अच्छा मतलब यूजफुल है, मैं करके देखा हूँ, इससे पहले भी मैंने बर्ड्स को ट्रीटमेंट किया है, सारा का सारा बर्ड्स एक्टिव हो चुका है, और आप भी इसको जरूर एक बार अप्लाई करिए अगर आपका बर्ड बीमार होता है। तो फ्रेंड्स चलिए आज का वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं, मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अगर मेरे चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बगल में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।